है गाईज़ वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स अ न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब होप यू ऑल आर गुड सो अपनी सुबह के साथ बज रहे हैं और मैं इतनी सुबह क्यों उठी हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू गया फॉर अ वेडिंग मैं गया जा रही थी क्योंकि मेरी मासी की शादी थी सो आई थॉट टू शूट अ व्लॉग थाट वॉट करो रियल बात बताती हूँ कंटेंट की मेरे को कमी हो गई थी समझ में आ नहीं रहा था वीडियो बनाओ क्या सो so मैंने सोचा व्लॉग बना देती हूँ ऐसे तो शादी में वैसे ठूसने जाती हूँ बट अभी सुबह सुबह नहाना था तो मैं ये ब्लैक कलर के शॉट कुर्ती और ब्लू बैगी जीन्स पहनने वाली थी शावर की वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप यकीन हो जाए कि मैं सच में नहा के ही जा रही हूँ एंड है आई वॉज रेडी अपनी क्या ही तारीफ़ करो सुंदर तो मैं लगती ही हूँ और यहाँ पर भी लगी रही थी उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था सैंडविच ये फैंसी ब्रेकफास्ट से वीडियो के लिए था मैं ऐसा खाती नहीं हूँ सो so, उसके बाद मैंने पी कड़क मसाला चाय मेरे लिए चाय इज़ मैंडेट्री मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ और अब बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले थे और इसी कार से जाने वाले थे हम लोग और यहाँ पे बैठ चुके हैं अब बस सफ़र स्टार्ट हो चुका है और शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट रहती है सो तो मैं मस्त म्यूज़िक सुन के अपना टाइम पास करने वाली थी ये डिसाइडेड था प्लेलिस्ट बनी हुई थी

यहाँ पे मैंने क्या किया मुझे भी नहीं पता वेल well, सो so अभी हम लोग रुकने वाले थे एक रेस्टोरेंट पे और हम रुके थे लल्लन सिंह ढाबा पे जस्ट फॉर वॉशरूम खाना हम घर से लेके आए थे और हम लाए थे चिकन बिरयानी विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स अब भर पेट बिरयानी खाने के बाद मुझे आ रही थी जोरों की नींद तो सबसे पहले कैमरा के सामने एक्टिंग की और अब मैं जा रही थी सोने सो के उठी तो मैंने देखा कि मैं हूँ अभी इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट पुल पे और अभी यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा अनइज़ी फील हुआ था बट थैंकफुली मैंने वॉमिटिंग नहीं किया और अभी सेफफुली हम लोग घर पहुँच गए थे घर पहुँच के नहाने वगैरह ये सब काम करने में दो तो घंटे मुझे लग गए और अभी मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ ड्रेस चेंज कर लिया और अब मैं शूट करने बैठी थी सबसे पहले तो मेकअप करना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के बच्चे मुझे देख के डर जाएंगे यार ऑफकोर्स वैसे ये फाउंडेशन की क्लिप ना मुझे गलती से लास्ट में ऐड हो गई थी उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह किया और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेहंदी का डेकोरेशन हुआ था वैसे मैंने सोचा था कि मैं ब्राइड के भी रिकॉर्ड करूँगी ब्राइड को भी बट तब तक जब तक मैं आई उनकी मेहंदी लग चुकी थी और वो रूम में जा चुकी थी सो या उसके बाद मैंने मम्मी की मेहंदी लगाना स्टार्ट किया क्योंकि मेहंदी आर्टिस्ट थोड़ी बिजी थी मम्मी की मेहंदी लगाते लगाते दो घंटे हो गए और उसके बाद थोड़ा नाश्ता किया मिठाई और कुछ नमकीन वगैरह एंड देन आई वॉचड माई फेवरेट शो मैडम सर ये ख़त्म हो गया था बट मैंने अभी फिर से इसे देखना स्टार्ट किया है क्योंकि इस शो की बात ही अलग है यार बैठे बैठे दो घंटे में मैंने चार एपिसोड्स देख डाले और मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला इट्स जस्ट ऑसम आप सबको से किस किस को मैडम सर पसंद है टेल मीन द कॉमेंट्स वेल well, उसके बाद मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हुई पहले आगे लग रही थी उसके बाद आगे कंप्लीट होने तक एक घंटा हुआ फिर अब पीछे लगना स्टार्ट हुई और करते करते रात के दस बज गए और उसके बाद मैंने बस खाना खाया और अभी जा रही थी सोने ये कुछ लाइटिंग्स हुई थी और कल इसका पार्ट टू आएगा शादी ब्लॉक का तो वो देखना मत भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग